थाना ट्रांजिट कैंप पर वादी मुकदमा संजीव गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी आजाद नगर थाना ट्रांजिट कैंप अपने भाई मनीष गुप्ता उम्र 17 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में थाना में FIR नंबर 269/16 धारा 365 पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान राम निवास गुप्ता, राहुल गुप्ता, सुरजीत गुप्ता अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के छोटे भाई मनीष गुप्ता की हत्या कर सब थाना परवर जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र के रामगंगा नदी के किनारे अधजला छोड़कर फरार हो गए थे। जिला शाहजहांपुर पुलिस द्वारा एक अधजला कंकाल बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान उक्त कंकाल की फीमर हड्डी रिजर्व की गई थी, जिसे थाना परौर जिला शाहजहांपुर पुलिस के कब्जे में लिया गया। फीमर हड्डी परीक्षण में मृतक परिजनों का DNA मिलान किया गया तो उसके पिता और माता के DNA से मिलान होने पर उक्त व्यक्ति पाया गया, जिस आधार पर अभियोग की धारा 302/201 और 34 IPC में वृद्धि की गई। अभियुक्त राहुल गुप्ता, श्रीनिवास गुप्ता, सुरजीत गुप्ता के घर दबिश दी गई, जिसमें फरीद फरार पाए गए। पुलिस द्वारा विधिक कुर्की की कार्रवाई कर दी गई है तथा तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तीनों अभियुक्त पर 1500-1500 रुपये इनाम घोषित किया गया है। दिनांक 10 जनवरी 2017 को पुलिस द्वारा इनामी अभियुक्त राहुल गुप्ता व दिनांक 11 सितंबर 2018 अभियुक्त सुरजीत गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा तीसरा इनामी अभियुक्त श्रीनिवास गुप्ता फरार था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु इनाम की राशि बढ़ाकर 2500 कर दी गई थी, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठन किया गया। टीम द्वारा फरार अभियुक्त श्रीनिवास गुप्ता को जिला जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइव उत्तराखंड के लिए उधम सिंह नगर से मनीष कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, ये 2016 में 23 दिसंबर 2016 में एक व्यक्ति के गुम होने की गुमशुदगी यहाँ देखी गई थी, जिसका इसका बाद में अनावरण हुआ था तथा उसकी डेड बॉडी शाहजहांपुर में मिली थी। कुल मिला के उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 व्यक्ति प्रकाश में आए थे, जिसमें 3 को पुलिस ने पहले अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद श्रीनिवास जो कि आज पकड़ा गया है, ये जयपुर से पकड़ा गया है और ये 2500 का इसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो पुलिस में लगातार इसमें दबिश दे रही थी, काफ़ी समय से इसका तलाश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। कल उसको शाम को इनको हमारी जो टीम थी ट्रांजिट कैंप थाने की टीम को उनको सफलता मिली है और इस मुलजिम को जयपुर से राजस्थान से इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके यहाँ पर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।